समस्या हमारे यहाँ किसानों के बीच में आ रही है सर। लोगों को आग लगानी है जी, मैंने कहा था ये आग लगाने का मौका है और ये दृष्टि किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई जी सर। इसका काम है आग लगाओ, ये सरकार ऐसा कर रही है, बराबर कर रही है, ये सब पूरा जो खरीदी करी है, ये बात यही पर लिखित कर रहा हूँ कि खरीदी जो करी है इन्होंने हरियाणा पंजाब से करी है जी। नंबर वन होता था पिछले साल मध्य प्रदेश खरीदी में, इस साल मध्य प्रदेश पिछल गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आग लगाने वाले वीडियो के वायरल होते ही प्रदेश की राजनीति में घमासान मच गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से लेकर प्रदेश के तमाम बड़े बड़े नेता कमलनाथ पर जमकर हमलावर हैं। नरोत्तम मिश्रा ने तो कमलनाथ पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया कि वही कमलनाथ है जिन्होंने 1984 के दंगों में देश में आग लगाई थी और अब वो फिर से दोबारा पूरे देश को आग में झोंकना चाहते हैं और कांग्रेस का यही मूल मंत्र है। ये पीड़ादायी प्रसंग है, मैं दो तीन दिन से रोज कमलनाथ जी से प्रार्थना कर रहा हूं। एक आध क्लिपिंग ऐसी तो जारी करो जिसमें सेवा करते दिखो आप, आग लगाते दिख रहे हो जहां भी दिख रहे हो। हालांकि ये सच है कि आपकी उत्पत्ति आग से ही हुई है, इमरजेंसी की आग आपने देखी है, आपके गुरु संजय गांधी आपको ले गया है, फिर 84 के दंगों में सिखों के घर जलाते हुए भी ये प्रकरण आपका सुप्रीम कोर्ट में आज भी लंबित है, देश ने उनको भी घर जलते हुए देख लिया। बता दें नरोत्तम मिश्रा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि आपदा के अवसर में कमलनाथ सेवा नहीं करना चाहते बल्कि तांडव कराना चाहते हैं। अब आप मध्य प्रदेश को जलाना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? लगातार बार बार रिपीट करना कि आग लगा दो आग लगा दो, इस आपदा में जिस आपदा में कमलनाथ जी आपको दीन दुखी के बीच में मरा था, शोषित पीड़ित व्यक्ति के बीच में मरा था, वहां आप लाशें गिरा रहे, मुर्दों की बातचीत सुन रहे हो कब्रिस्तान में, क्या हो गया है आपको इस मामले में? उम्र के चौथे पड़ाव पर ये उम्मीद नहीं थी आप कैबिनेट मंत्री का दर्जा लिए हो, विधायक हो आप छिंदवाड़ा से, जनप्रतिनिधि को आग लगाने की बातें शोभा नहीं देती। आम जनता आपका वो चेहरा आज देख रही है कि आप किस तरह से प्रदेश को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद कमलनाथ के हनी ट्रैप के पेनड्राइव वाले सवाल पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं, उनके पास कोई सीडी और पेनड्राइव नहीं है, बस कमलनाथ फालतू की बात बताकर राजनीति कर रहे हैं। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पद और गोपनीयता की शपथ ली मुख्यमंत्री में और हनी ट्रैप की पेन ड्राइव रख ली अपने, क्यों रख ली? निश्चित रूप से उसमें कांग्रेसी होंगे, ये डर्टी पॉलिटिक्स कहलाती है, ये ब्लैकमेलिंग की राजनीति कहलाती है। कमलनाथ अगर आपके पास में कोई प्रमाण है, वो खासकर भाजपा वाले, तो मैं भाजपा की ओर से चुनौती दे रहा हूं, रखो सार्वजनिक करो, आप उस केस की पेन ड्राइव अपने पास रखे हो जिसकी हाईकोर्ट जांच कर रहा है, उसकी हाईकोर्ट ने SIT बनाई हुई है, क्यों छुपाया आपने इस पेन ड्राइव, क्या था इसमें? और मान लीजिए आपके मुख्यमंत्री के कोई गंभीर विषय था तो हाईकोर्ट को क्यों नहीं दिया, SIT को क्यों नहीं दिया? मैं तो किससे मान करूं, मैं ये मानता हूं कि इन्होंने कई सरकारी दस्तावेज, जब पेनड्राइव इनके पास हो सकती है, तो मुख्यमंत्री रहते हैं, इन्होंने कई सरकारी दस्तावेज भी गायब किए होंगे और ये जांच का विषय हो सकता है, ये सोच का विषय तो है ही, शोध का विषय भी हो सकता है। कुल मिलाकर कमलनाथ अगर सीडी को लेकर राजनीति कर रहे हैं और किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं तो प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री कमलनाथ का मुंह बंद करने में लगे हैं। फिलहाल कमलनाथ का आग लगाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसके चलते उनकी जमकर फजीहत हो रही है और तमाम बड़े बड़े नेता कमलनाथ को घेर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर देखने के लिए देखते रहे VK News MP। धन्यवाद। से हमारे यहाँ किसानों के बीच में आ रही है सर, लोगों को आग लगानी है जी, मैंने कहा था ये आग लगाने का मौका है और ये दृष्टि किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई जी सर। इसका काम है आग लगाओ, ये सरकार ऐसा कर रही है, बराबर कर रही है, ये सब पूरा जो खरीदी खड़ी है,
ये बात यही प्रदर्शित करना होगा कि खरीदी जो करी है इन्होंने हरियाणा पंजाब से करी है। नंबर वन होता था पिछले साल मध्य प्रदेश खरीदी में, इस साल मध्य प्रदेश पिछड़ गया।